राजी। इसलिए मुझे ज्यादा, लेकिन कभी कभी मुझे वो अच्छा लग, मैं ऐसा बोल भी कैसे सकती हूँ? नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लग सकता। रणबीर मुझे अच्छा कैसे लग सकता है? वो तो मुझे कभी पसंद भी नहीं था। रणबीर एक बहुत अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है, मेरा बॉस है। मैं चाहती हूँ उसके साथ सब अच्छा हो, कुछ गलत ना हो। मुझे परेशान करता है, मुझे इरिटेट करता है, पर अच्छा लड़का है। हाँ, मेरा दोस्त है रणबीर, और प्राची दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, और कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है कि माया के पास भी सेम नेकलेस है? बेटा, कैसे गाड़ी चला रहे हो? सिग्नल लगा हुआ है, लोग क्रॉस कर रहे हैं, और मैं इस उम्र में भाग तो नहीं सकती हूँ ना। मेरे साथ साथ अपनी जान की भी फिक्र करो। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, हंस के खुश हो के जियो, ठीक है? देखिए, मैंने आपकी हेल्प की, और बदले में आपने मुझे आशीर्वाद भी तो दिया ना। कितनी बड़ी बात कह दी तुमने, भगवान तुम्हें हर खुशी दे, आबाद रहो। वैसे माँ जी, इस खुशी का हकदार मेरा एक दोस्त भी है, नील। उसी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया, और अगर उसके बारे में अच्छी चीजें देखनी हो ना, तो ये कुर्बान हुआ जरूर देखेगा। ये एक नया शो आ रहा है ZTV पर, जिसमें आप नील से मिल सकते हैं रोज रात सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे, सिर्फ ZTV पर 25 फरवरी से, देखेगा जरूर। रॉक स्टार अभिषेक प्रेम मेहरा ने बोला है तो मैं जरूर देखूंगी, जरूर देखूंगी। चले माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए आराम से। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, मेरी आवाज नहीं सुनी, मेरे बारे में सोचते भी या नहीं। पूछना था मुझे वो मुझसे नाराज क्यों है। पहले पता था कि क्यों अलग है, बात नहीं करना चाहते, पर अब वो नेकलेस तो मैंने रिया को दिया था, फिर हाँ, आप पुलिस रेडी रखिए, आई विल कम एंड पिक इट अप। आई वांट टू टॉक टू यू, जस्ट फिनिश द कॉल। रणबीर को कैसे बचाऊं? तुम्हें पता है वो मुझ पे भरोसा करती है, फिर भी मैं इस झूठ के साथ नहीं रह सकता कि मैंने तुम्हें मोलेस्ट किया। बट यू नो व्हाट माया, मैं तुमसे ये सब बात करने नहीं आया। मैं तुम्हें यहां पे एक चीज बोलने आया हूं, तुम अभी और इसी वक्त मुझे बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया और तुमने झूठ क्यों बोला। तुम्हारी इन सब चीजों में मदद किसने करी, और अगर तुमने मुझे ये सब अभी के अभी नहीं बताया तो मैं क्या, तुम्हें मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल करा दूंगा। व्हाट? अपनी ये बकवास तुम अपने पास ही रखो। अगर तुम्हें लगता है हमारी बात यहाँ खत्म हो गई है तो तुम बहुत गलत हो। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। वाह, दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, वो भी रणबीर को लेकर। सही है, मैडम को प्यार हो गया। सर चौबे ने अपनी फैमिली की एक सेल्फी दिखाई मुझे, जो उन लोगों ने मेरे साथ खींची थी। उसमें माया ने रिया का नेकलेस पहना था। तो आप वो नेकलेस ढूंढ रहे थे? यहाँ ढूंढ नहीं रहा था, जस्ट होपिंग कि वो मुझे मिल जाता। बट नाउ रिया इज अ बिग गर्ल, वो बड़ी हो गई, इसलिए ढूंढने से अच्छा होगा कि हम उसका इंतजार करते, उसी से पूछते कि वो नेकलेस है कहाँ। आप यहाँ नेकलेस ढूंढने आए थे या ये पूछने आए थे रिया से कि कहीं उसने माया को अपना नेकलेस नहीं दिया? बट देन व्हाई विल शी गिव माया को अपना नेकलेस, क्यों देखिए ऑफ ऑल द पीपल?
दोस्ती का, भरोसे का। प्राची जिस तरह तो उसे लड़ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ रणबीर सिर्फ मेरा है। खबरदार अगर उस पर किसी ने नजर डाली तो। इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करती, बुराई का पहाड़ बना देती, बात का बतंगड़ बना देती। देख रणबीर और मेरे बीच में ना ऐसा कुछ नहीं है, उसको लेके मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं। मुझे ना तुझसे बात ही नहीं करनी। मत कर, अपने दिल से पूछ, जवाब मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि तेरे और रणबीर के बीच में प्यार है या दोस्ती। शाना तू ये क्या लेके बैठ गई? देख मैं ना ऑलरेडी परेशान हूँ, रणबीर के ऊपर पता है ना मैंने कौन सा केस लगा दिया। अब वो सब सोचूं या जो तू बोल रही है वो सोचूं? देख आखिरी बार बता रही हूँ, अपने दिमाग में फिट कर ले, रणबीर और मेरे बीच में कुछ नहीं है। अगर तूने ऐसा वैसा कुछ बोला ना तो तुझसे कभी बात नहीं करूंगी मैं। क्या ना, क्या नाम है उस लड़के का जिससे तुम शादी कर रही हो? मोहित। पॉलिटिशियंस हैं ना उसके घर वाले। तुम्हें पता है माया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पॉलिटिशियंस के लिए? इज्जत। अगर मैं उनकी फैमिली को जाके सब बता दूं कि तुम कैसी लड़की हो तो क्या होगा? लेट्स सी। एक, तुम्हारी शादी कैंसिल। दूसरा, वो तुम्हारी फैमिली का क्या हाल करेंगे वो तो तुम समझ सकते हो। बहुत स्मार्ट हो तुम। नहीं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वो मानेंगे ही नहीं तुम्हारी बात। अच्छा, नहीं मानेंगे। अपने आसपास देखो, तुम्हें कोई दिख रहा है? हम दोनों इस कमरे में अकेले हैं। याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं वो ही तुम्हारे साथ करूंगा, बाहर जाके सबको बता दूंगा। और फिर तो मेरी बात मानी जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है क्या, क्योंकि मेरे पास हमारी लास्ट मीटिंग के प्रूफ है। निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। It's just 9:30. अगर बता कर जाती ना तो टेंशन नहीं होता, फिर चाहे 9:30 हो या 1:30। Listen, I'm not trying to scold you. मैं नहीं कह रहा कि तुम घर पर रहो या बाहर मत जाओ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तुम बाहर जाओ तो पता कर जाओ, ताकि कोई टेंशन ना ले, ठीक है? Hey, stop this. ये तुम बचपन से करती आई हो, अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, alright? मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम बड़ी हो गई हो, बड़ा बड़ा काम करो। What are you laughing for? Serious? Anyways, by the way, वो necklace का है जो मैंने तुम्हें gift दिया था। मान कर जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, एक ही तो थप्पड़ है। लेकिन नहीं मारना चाहिए था। पता है उस थप्पड़ से क्या हुआ? मुझे वो सारी अनफेयर चीजें साफ साफ दिखने लग गई जिसे अनदेखा करके मैं मूव ऑन करती जा रही थी आज तक। मैंने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है विक्रम के साथ। शादी ने हमें एक तो किया पर बराबर नहीं किया, सब कुछ उसी के साथ जुड़ा हुआ था, उस एक थप्पड़ ने हमें अलग कर दिया। अब क्या करोगी? वो तो आपको मेरी पिक्चर देखनी पड़ेगी उसके लिए, तो थप्पड़ देखे 28 फरवरी को, देख के बताना मैंने सही किया कि नहीं। Trust me, she's not my friend. तो फिर तुम्हारा नेकलेस उसके पास कैसे है? हो सकता है कि उसने भी सेम नेकलेस बनवा लिया हो, क्या पता कॉपी कर लिया हो डिजाइन, और सेम ज्वेलर हो, या फिर कॉपी भी तो हो सकता है ना, इंडिया में तो कितना सामान कॉपी होता है। डैड, डू यू रिमेम्बर आपने मुझे क्या बोला था कि वो बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस है, उसे लॉकर में जाकर रख दो? तो मैंने लॉकर में रख दिया था। लॉकर में? हाँ डैड। डैड रिलैक्स, मैं आपको ना कल ला के दूंगी लॉकर से, आई प्रॉमिस, वो वहीं पे है, आई गो गेट इट टुमारो। जो कि वो इस एंगेजमेंट पे उनको आई लव यू बोलने वाली है, और उनके लिए ये बिग मोमेंट है, और इस बिग मोमेंट को स्पेशल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने ये प्लान किया है कि मैम स्क्रीन के पीछे से आएंगी और स्पॉटलाइट में आकर के अपने दिल की बात मोहित सर को बोलेंगी, और ये सब हम कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे। अरे कुमार एक बात बताया यार, लास्ट इवेंट की तरह जिस तरह उस कपल ने सरप्राइज किया था, अगर यहाँ भी ऐसा हो गया तो माया मैम के बदले अगर मोहित सर ने पहले प्रपोज कर दिया तो? और यार मोहित सर के पास तो माइक भी नहीं है। अरे यार तू टेंशन मत ले, माया मैम के सिर्फ माइक का वॉल्यूम बढ़ा देना, ठीक है? What do you want? You know exactly what I want, माया, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे सामने सबको बता दूंगा, एक झूठा कन्फेशन करूंगा मैं। क्या कन्फेस करूँ, क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलूंगा,
रोऊंगा, रोने लगूंगा, बहुत रोऊंगा और उनको रो रो के बोलूंगा कि माया ने मेरे साथ गलत किया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मेरी बात नहीं मानेंगे वो? तब उन्हें पता चलेगा कि तुम असली मॉन्स्टर हो, मैं नहीं। और उसके बाद जो तुम्हारी इमेज के साथ होगा ना, तुम्हें भी नहीं पता। सेम, मैं ना उन लोगों में से नहीं जो आसानी से हार मान ले। और तुमने क्या बोला था कि तुम मेरी एंगेजमेंट कैंसिल करवा दोगे? फिर मैं ना बहुत डर गई थी, पर मैंने सोचा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा तो मैं सब बिगाड़ सकता हूँ, एक लाइन से, एक। तुम क्या बिगाड़ोगे? उसने जो कुछ भी किया झूठ था, पैसे के लिए था, रणबीर को फंसाने के लिए था। पर ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। आई एम श्योर रणबीर को भी नहीं पता होगा कि हम सब उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। रणबीर इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि माया ने अपने फियांसे के लिए सरप्राइज प्लान किया होगा और इस वजह से उसने माइक पहना होगा, वो माइक शायद से ऑन है। इसीलिए ना इस वक्त तो माया के प्यार में डूबा हुआ कोई देवदास लग रहा है और माया की सगाई तोड़वाना चाहता है। नहीं, उसे जाकर बताना होगा कि माइक ऑन है, जाकर रोकते हैं उसे। छोड़ो, मैं तुम्हारी फैमिली से भी बात कर लूंगा, पर एक बार तुम तो हाँ बोल दो, तुम्हारी फैमिली को मैं समझा दूंगा, उनके सामने तुम्हारा हाथ मांगूंगा। What's it? पागल हो गए रणबीर, प्लीज। कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा मत सोचिए कुछ। अरे हमारे बीच में कुछ नहीं है आपको? कल जी, ये आपकी तबीयत को क्या हो गया? अंकल लेट मी एक्सप्लेन। पानी लेकर आओ। तुम कुछ बोलो ना, तुम कुछ बोल रही हो और मुझे कोई सक्सेस मिल रही है इसमें? हाँ, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई रणबीर। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? उदयल, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, वरना मैं खड़ा भी नहीं होता। क्या हालत कर दी है मेरी? सब मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। रिश्ता पक्का? बेटा दामाद जी से ऐसे लड़ो मत। दामाद जी, जिंदगी चली है इसी प्यार पर तो हमारी लाइफ खड़ी है। आई थिंक यू आर ऑल्सो लाइक दिस। हमें ये रिश्ता मंजूर है, लड़का भी कितना अच्छा है भाई। थैंक यू। पर अंकल आप समझ रहे हैं, मैं आपसे कुछ। अब आप चुप रहिए। सो फ्रेंड्स, ये एंगेजमेंट टूट गई है, पर मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं रणबीर को अपना दामाद मानता हूँ। आज से 3 दिन बाद एंगेजमेंट होगी माया और मिस्टर रणबीर कोहली की। प्राची ये उस पे झपट के उसको खा जाती है, फिर भी कबूतर तो पागल है, बेवकूफ है। उसको लगता है आंखें बंद है तो दुनिया को कुछ नहीं दिख रहा, और कबूतर की ना 3 दिन में एंगेजमेंट होने वाली है, समझ रहे हो तुम? गुड, आई थिंक रियलिटी सामने आ गई है ना तुम्हारी। अब गलती बंद हो गई होगी ओवर स्मार्टनेस की। एक सेकंड, तुमने मुझे कबूतर बोला? कबूतर मैं? आई सीरियस रणबीर, मैं शब्दों को क्यों पकड़ रहे हो? फीलिंग्स को समझो, इमोशंस को। कबूतर, तुम पागल हो क्या? तुम ढंग के शब्द नहीं इस्तेमाल करती हो, ढंग के यूज करो ना। कबूतर हो मैं, पक 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 कबूतर लगता हूं मैं तुम्हें। हां कबूतर मैं, उल्लू हो तुम ना, इंपॉसिबल हो, मुझसे तो बात ही मत करो तुम रणबीर। मैं इंपॉसिबल हूं? हां मैं इंपॉसिबल हूं। हां और तुम क्या? तुम इतना बोल रहे? एक और हो जाए ना, मत बोलना प्लीज, लास्ट। ठीक है, छोटा सा। ओके, इसके बाद हम सोने जाएंगे। पता है, एक बात बोल, आज ना मैं आज बहुत खुश हूँ यार, रियली हैप्पी। क्या है कि गेस्ट को खाना वक्त पे मिला, खाना अच्छा लगा उनको, बड़ा लजीज लगा, यू नो, उंगलियाँ चाट रहे थे। और जब खाना वक्त पे मिलता है ना, तब उसकी कदर होती है, यू नो। हंग्री मैन एंग्री मैन, ऑलवेज रिमेम्बर। Everybody is really happy and so am I. And I feel that ये सब कुछ हुआ प्राची की मौत की वजह से। तो सब कुछ हैंडल कर लिया अच्छी तरह। इसको प्राची डर के मारे कहते हो या प्यार से कहते हो? डर से लग ही रहा था। वैसे आप तीनों में से तो कोई ऐसा खौफनाक है नहीं, किस पे गई किस पे? माँ पे? तुझे मैं? अरे कम बोला कर। अरे क्वेश्चन क्या, टेबल लैंप सिर पे मार देती इसको, काम ही खत्म हो जाता है इसका। रणबीर, अगर तुम्हें पता चले ना कि शाना का मर्डर हो गया, तो समझ जाना कि किसने मारा होगा। अरे मेरा नाम लगा रही है? अरे अब इल्जाम लग ही गया है ना, तो सचमुच एक दिन ना मैं तेरे को मार ही डालूं। ठीक ही करके हो गया हो तो चले, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, बाय गाइस, बाय। करनी बात, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो उल्टा मुझ पे तरस आना चाहिए। मेरे साथ क्या हो गया ये? तरस? हाँ तरस, मेरी सिचुएशन को देख के।
और वैसे भी प्राची हम दोनों एक ही साइड पे है ना, तुम तो मेरी साइड पे और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम कब मेरे बॉयफ्रेंड बने? यार तुम ना मुझे यार मत बुलाओ। ओके ओके, मैं तुम्हें यार नहीं बोलूंगा, तुम मुझे जो बोलोगी मैं तुम्हें वो बुलाऊंगा। ओके, बॉयफ्रेंड एक लड़का जो फ्रेंड होता है। तो दोस्त बोलो ना फिर। ओके यार प्लीज गुस्सा मत हो, तुम्हें दोस्त बोलना है मैं तुम्हें दोस्त बोलूंगा। ओके जस्ट रणबीर स्टॉप द कार। क्या हुआ यहाँ? गाड़ी रोको। यहाँ कहाँ रोको? रणबीर स्टॉप प्लीज। देखो अगर तुम नहीं मानी मैं जिद करता रहूंगा बच्चों की तरह और तुम्हें सामने आ जाऊंगा। तुम्हें सच में कथक आता है? आता है ना ऑफ कोर्स, पर देखो इतना प्रोफेशनल नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। ओके तो हम पहले करते हैं प्रणाम, ठीक है? ऐसे सॉरी ऐसे 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 मुझे ये पता है कि तुम्हें ना मेरी स्टूपिड हरकतें अच्छी लगती हैं, और हमें सिर्फ उन लोगों की स्टूपिड हरकतें अच्छी लगती हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, वरना स्टूपिड हरकतें तो बहुत स्टूपिड होती हैं। तुम ना स्टूपिड नहीं हो, तुम अनॉइंग हो, अब हटो। अरे कहाँ जा रहे? रिक्शा। राची रिक्शा। ठीक है घर है, एक सीन हो क्या रहा है पर? अरे मिस्टर मेहरा भाई, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम रणबीर और माया की शादी करने जा रहे हैं। रणबीर और माया की शादी? बोल क्या रहे हैं? वही तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रणबीर और माया की शादी किस तरह हो सकती है। Exactly. लेकिन ये कह रहे हैं कि रणबीर आएगा तो बताएगा कि कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। हा? अरे ये क्या बताएगा बीजी, मैं बताता हूँ ना, ये शादी वादी नहीं होगी। आप अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकती, रणबीर माया से प्यार करता है और शादी भी उसी से करता है। प्यार मतलब? Exactly. मैं भी तो कब से वही समझा रही हूँ इन लोगों को, लेकिन ये लोग हैं कि सुन ही नहीं रहे। बंद कीजिए। बोलेंगे और बताएंगे भी क्यों बोल रहे हैं। जब एंगेजमेंट होने वाली थी तो दामाद जी वहाँ आए, उन्होंने सबके सामने मेरी बेटी को शादी के लिए प्रपोज किया। प्रपोज? अब आप ही बताइए, अगर कोई लड़का किसी लड़की को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर दे तो वो लड़की किसी और से शादी कर सकती है क्या? भाई पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि रणबीर माया से ही प्यार करता है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये झूठ झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। ओए ओए क्या कर रहे हैं, गोली हर पार मुझे लग जाएगी, दूर जा। गन नीचे, गन नीचे, चलो वापस चलो। चिपक क्या रहा है? अरे प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए चौबे जी, हमारा जो पुत्र है ना आपके पुत्र से प्यार नहीं करता, उन दोनों के बीच में कोई चक्कर नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके आप धन चक्कर की तरह दोनों का मैच दो कॉलम मत बनाइए आप प्लीज। अरे यार शक्ति सुई एक ही जगह अटकी हुई है, प्यार नहीं करता शादी नहीं होगी। दामाद जी आपने घर में कुछ बताया नहीं था क्या? कम से कम प्रपोज करने से पहले घर वालों को बताना तो चाहिए था। रणबीर और माया एक दूसरे से प्यार करते हैं, और रणबीर तो पागलों की तरह माया से प्यार करता है, और जब माया की एंगेजमेंट होने वाली थी तो रणबीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और सबके सामने माया को प्रपोज कर दिया। प्रपोज? हिमाकत तो देखो इसकी। और हमेशा ना झूठे वादे करेगा, सच कभी नहीं बोलेगा, सामने कोई भी हो उसको भाई हो और बहन हो बोलेगा, और चेहरे पे ना हमेशा एक झूठी स्माइल रहेगी, और अगर उसने माया को कुछ भी कहा ना, कभी भी कहा ना, तो चौबे उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। सामने सबके दामाद जी बोलेगा, लेकिन घर जमाई बना के ना उसको अपने इशारों पे ना जाएगा। बेचारा रणबीर, उसकी तो लाइफ बर्बाद होने वाली है। नहीं नहीं ये तो सुनने में इतना बुरा लग रहा है, तो रणबीर के साथ नहीं नहीं नहीं, हमें ना कैसे भी करके शादी रोकनी होगी। रोको भी रोको, वीडियो रोको। कमाल का परफॉर्मेंस दिया, क्या नाटक देखिए सबने वीडियो। देखिए वीडियो में आपके बेटे ने साफ साफ बोला है कि हमारी बेटी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अरे फाड़ में क्या तुम्हारा वीडियो, हम कह रहे हैं कि हमारे पुत्र की तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं हो सकती, कुछ नहीं उनके बीच, आप समझ नहीं रहे हो। आपको वीडियो गेम खेलने ना, निकलो निकलो यहाँ से, घर पे जाके वीडियो गेम खेले जाइए, निकल जाए। शाबाश, वो ये हुई ना पंजाबियों वाली गल, सुन लिया आपने? लेकिन जेल में लोग क्या कहेंगे, कहाँ तो आपकी फैमिली चली थी चौबी जी की बेटी से शादी करने, और कहाँ अब आपकी फैमिली के बारात जाएगी जेल में, यही चाहते हैं ना? फैसला आपके हाथ में है।
सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, ये तो बस यूं ही आदत सी हो गई है, बात बात में निकल आती है। तो सगाई अब 3 दिन बाद है और तैयारियां शुरू करते हैं। संदी जी, संदन जी और मिस्टर मेहरा, बधाई हो, रणबीर कोहली शादी करने जा रहा है माया से। और अभिषेक जी तो सोचो। अरे बीजी, ये जिस माया जाल में फंसा हुआ है ना, उससे मैं इसे बाहर निकलूंगा। उस चौबे ने अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज करके ये शादी का रिश्ता जोड़ा है ना, तो मैं उससे बड़ा इन्फ्लुएंस यूज करके ये शादी का रिश्ता तोड़वाऊंगा। प्लीज डोंट वरी, रिलैक्स प्राची। सॉरी, सब में मैं वो फाइल लेना भूल गया। थैंक यू, इतनी रात को तुम ये फाइल लेकर आई। ये फाइल बहुत जरूरी है मेरे बिजनेस मीटिंग के लिए। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। अरे स्टॉप गेटिंग नर्वस, कोई शादी वादी नहीं होगी। ऑलराइट, कैन यू गो इन टू प्राची? ऑफ कोर्स। लिटिल चैंप्स में और मुझे उसके बाद कनाडा भी तो जाना है। ओए, सारे गमा पा लिटिल चैंप्स। हां हां, सारे गमा पा लिटिल चैंप्स। नया शो आ रहा है ZTV पर, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे 29 फरवरी से। तो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें जो सिलेक्ट हुए, टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड सिंगर्स। उन्हें भी कुछ बच्चे सिलेक्ट करने अपने नए एल्बम के लिए। एनीवेज, वो काम की बात है, उसे हम बाद में देख लेंगे। मुद्दे की बात यह है कि हमें रणबीर को सबसे बाहर निकालने में कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो ना, बेचारी रिया आई थी अपने काम के लिए, रिया हमारी बातें सुनकर बेचारी परेशान होकर चली गई। परेशान तो होगी, प्यार करती है रणबीर से, अब उसे अपने पहले प्यार को खोने का डर लगने लगा है। डोंट वरी, इट विल बी फाइन। हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तुम एक काम करो, तुम माया को फोन करके बोलो कि तुम उसे मिलना चाहती हो, और उसे मिलकर तुम बता दो कि शी कैन नॉट गेट मैरिड टू रणबीर। यू नो, तुम्हारे भी मन से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके भी मन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, जाने से पहले पल्लवी को मिलकर जाना और उसे विश्वास दिलाओ कि तुम रणबीर को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लोगे। गेट हर ऑन योर साइड, बिकॉज़ आई थिंक शी लाइक्स। रियली? ऑफ कोर्स। अब जल्दी से माया को कॉल लगाओ, उसे बोलो कि तुम्हें कल मिले। वो जो दामाद जी हैं उन पर नजर रखाना शुरू करो, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ पता लगना चाहिए। समझ गए? ठीक है, वादा करते मैं नाव बन के तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। अपना ख्याल रखना। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। याद रखना उस बात को, तेरे डैडी की वो जान थी और उनके बिना एक निवाला तक नहीं खाते थे वो, लेकिन आज हमारे इस घर में कोई भी उन्हें याद नहीं करता। वो कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता है, उनका नामो निशान तक गायब हो चुका है इस घर से। इसीलिए समझा रही हूँ तुझे कि ये ऊट पटांग बातें अपने दिमाग से निकाल दे। और हाँ, अगर हो सके ना तो जाके रणवीर को बोल, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। अगर इस शादी को रोकने की किसी ने भी कोशिश की ना, तो तेरे डैडी उसे नहीं छोड़ेंगे। काम कर, तू रेस्ट कर, चल चल, तू रेस्ट कर, मैं आती हूँ। आप हंस क्यों रहे हो? प्यार का पहला साइड इफेक्ट, हमें अपने से ज्यादा दूसरे के लिए सोचना, उसकी ज्यादा चिंता करना। प्राची को प्यार हो गया है, ये इश्क वाला लव। प्राची, लेकिन ऐसी कैसी लव स्टोरी जिसमें कोई विलेन ही नहीं है? अब विलेन तो है, अगर लेडी विलन है, पर जहां तक मैं रिया को जानती हूँ, वो प्राची की लव स्टोरी में अड़चन जरूर डालेगी। हुक और बाय क्रुक, आई थिंक इस वक्त वो बहुत डरी हुई होगी अपने डैड की वजह से, या फिर उसके डैड ने उसे धमकाया भी होगा कि तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। शी मस्ट बी स्केर्ड, बट मेक हर अंडरस्टैंड कि वो ये शादी नहीं कर सकती, नॉट एट एनी कॉस्ट। आस्क हर टू बैक ऑफ, और अगर वो फिर भी मना करती है तो तुम उसे याद दिलाओ
बाकी हो, अगर वो मना करेगी तो तुम्हें अपने सारे पैसे वापस चाहिए उससे। ओके थैंक यू बाय। उम्र छोटी होती है तो हर प्रॉब्लम बड़ी लगती है। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और रिया इतनी परेशान हो रही है कि वेल अब नहीं होगी। एंड कौन है माया? हू इज शी? कोई नहीं है। और रणवीर? रणवीर इज अ गुड बॉय, ही इज स्मार्ट एंड प्लीज उसके जाल में तो मैं नहीं फंसने दूंगी। सो डोंट वरी, रिलैक्स एंड गो टू स्लीप। मैं हूं ना। रणवीर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि मैं समझ गई हूं रणबीर को पसंद करती है। सिर्फ पसंद या प्यार? ओह, तो ये प्यार वन साइडेड नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये रिया बहुत ही अलग बातें कर रही है आजकल? सयानी हो गई है, समझदार हो गई बेटा, तेरी हेल्प करना चाहती है। आपने भी रिया की बात मान ली। आपको लगता है वो प्रॉब्लम से निकाल पाएगी? वो बेचारी खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं पाती। और वैसे भी चीफ है ना, चीफ ने बोला था कि he'll help me and I trust him। बात तो ठीक कह रहा है तू। अभी ने बोला था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ऐसा कर, तू ना मुझे कमरे में छोड़ के आ। तेरी वजह से सो ही नहीं हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे बहुत। I'm so sorry, एक काम करता हूँ मैं ना, आपको बहुत ही प्यारी सी लोरी सुनाऊँ, आप ऐसे सो जाओगे। ऐसे चल। साथ कौन दे रहा है सब में? क्योंकि आई एम डेफिनेटली श्योर कि माया ऐसा क्यों करेगी। उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं रणबीर से। कोई है जो रणबीर का बुरा चाहता है, जो चाहता है कि उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आए, प्रॉब्लम्स आए। और जो भी है ना, बहुत ही घटिया इंसान है। मैं रात भर सो नहीं पाता है। मैं सोच रही हूँ कि इन केस रणबीर को माया से शादी करनी पड़ती है तो बेचारे के साथ कितना गलत होगा। एक तो उसके ऊपर वो झूठा केस है और लोगों को लगेगा कि रणबीर ने सच में ऐसा किया था, इसीलिए वो सब छुपाने के लिए। माया से शादी करके उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो हो सकता है कि माया भी बातों बातों में बोल दे कि उसने तो उसे जानबूझ के फंसाया था। मतलब जब वो ऐसा बोल देगी तो हम उसका सबूत बना लेंगे। वाओ, दिस इज सो गुड। मतलब ब्रिलियंट, आप ना, आप जीनियस हो। मुझे लगा हम ये कर सकते हैं। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, आइडिया तो। और कल वो आप पिक्चर देख रही थी, वहीं से मिला ना आपको ये आइडिया। लेकिन माया ने अगर कन्फेस नहीं किया, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा तो कैसे नहीं बोलेगी? क्योंकि तू होगी ना वहाँ पे माया के सामने। अरे नहीं, पर्दे के पीछे जब ये सब चल रहा होगा ना। गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो केस था वो फेक था। क्या पता शायद ये भी बोल दे कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। कोई है जो ये सब करा रहा, मतलब उसके पार्टनर का नाम। जैसे उसने अपने पार्टनर का नाम बोला, समझो हमारा काम हो गया। उसे हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें ना बस एक ही काम करना है, यू नो, उसका कॉन्फिडेंस जीतना। उसे कॉन्फिडेंस में लेना है, मतलब उसे भरोसा दिलाना है कि जो भी तुम कह रहे हो वो जेन्युइनली कह रहे हो, सच में कह रहे हो। और तुम ये भी बोल दो कि देखो माया, तुम और मैं एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, और शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए, है ना? तो हम दोनों एक दूसरे को अपनी सीक्रेट बता देते हैं। तुम भी अपना सीक्रेट बताना, कुछ बना के बता देना। और वो भी बोलेगी, उसका सीक्रेट क्या ही होगा? सबसे बड़ा सीक्रेट तो यही होगा ना कि उसने तुम्हारे साथ जो किया है वो गलत किया है, झूठ किया है, जो भी है। तो बस या? कुछ बात करनी। हम क्या बात करेंगे? हमारी फैमिली तो ऑलरेडी बात कर रही है ना। हाँ, हो रही है, लेकिन बात करने का मन नहीं कर रहा। इतना सारे बात को आगे कैसे बढ़ाऊं? देखो ये क्या कर रहे हो? देखो माया, हमारी शादी होने वाली है, और शादीशुदा लोगों के बीच में एक चीज होना बहुत जरूरी है, और वो है ट्रस्ट। आई थिंक हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। आई थिंक स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर। सो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ, हम वहाँ पे बात करते हैं। कम। पर हम कहाँ जा रहे हैं? अभी बताता हूँ, कम। कहाँ गए, आए क्यों नहीं ये लोग? आगे कैमरा। तुम यहाँ पे क्यों लाया मुझे? नहीं बताता हूँ, कम 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 कम, इट्स ओके।
नथिंग इज परफेक्ट। जो भी डाला वो क्यों डाला, मतलब उसकी जरूरत नहीं थी, हमें तो वैसे ही साथ में रहना ही था, पर जो हो गया सो हो गया, दैट डजंट मैटर। मैं बस चाहता हूँ लोगों को ये पता चले कि मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, नॉट बिकॉज कि तुमने मुझ पर मोलेस्टेशन का केस डाला और अब मुझे उसको ठीक करने के लिए करना पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्यों, वैसे क्यों किया तुमने मुझ पर मोलेस्टेशन का केस, क्या जरूरत थी? अच्छा चलो ठीक है, मुझे मत बताओ, लोगों को बताओ, लोग गलत बोलेंगे ना हमारे बारे में, फिर उनको लगेगा कि हम बस एक समझौते के लिए साथ हैं, जो कि हम नहीं है, राइट? मैंने वो हाँ लड़की ये कब हुआ? ओह माय गॉड, रिया विल बी बैक। हाँ रिया, हाय हाय गर्ल्स। रिया ये सच है क्या? या वो यही कि अब कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का, सबसे हॉट लड़का शादी कर रहा है और वो भी माया जैसी वियर्ड लड़की से। तुम्हें किसने बताया? वो रोशन। ये सब मतलब ओ, पर मुझे तो रोशन ने नहीं बताया, मुझे तो मयूरी से ये बात पता चली, पर मयूरी सच बोल रही है या झूठ? वो झूठ बोल रही है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं और तुम दोनों ये रूमर्स फैलाना बंद करो। That तुम्हें रणबीर चाहिए, तुम्हें रणबीर पसंद है, रणबीर तुझे चाहिए, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए, एंड टू बी ऑनेस्ट रणबीर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, स्टेटस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, मतलब तुम्हारा और रणबीर का स्टेटस मैच भी करता है, एंड यू लुक गुड टुगेदर, और वो माया, आई मीन enough, it's okay. See, हमें माया जैसी लड़की को ना उसके बारे में बात करके इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, okay? ये कहाँ जा रही है? तुम दोनों यही रुको, मैं देख के आती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बैटरी डेड। Come on, चाची, बैटरी डेड कैसे हो सकती है तुम्हारी? तुम करो ना, तुम आर्यन को फोन करो। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। क्या? मैं अपना फोन गाड़ी में भूल गया। I'm so sorry. फोन गाड़ी में कौन भूलता है? I'm sorry. अब बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर जाना तो ठीक है, अगर 10 मिनट में बाहर नहीं निकले ना पूरा कॉलेज बंद हो जाएगा, और अगर कॉलेज बंद हो गया तो प्राची हमें यहीं रहना पड़ेगा। 10 मिनट में सब घर चले जाएंगे, मतलब हम यहाँ रात भर यहीं पे, हम यहीं पे रहेंगे? प्लीज डरो मत, तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम उनसे बोलो कि तुम रणबीर से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम उससे प्यार नहीं करती। एंड As a father, I know he will understand, and I know वो तुम्हारी बात समझेंगे, और कोई बाप ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बेटी की जबरदस्ती शादी करवा दे, so it will be all fine. मैं नहीं बोल सकती कि मैं रणबीर से शादी नहीं कर सकती। तुम बोल सकती हो ऐसा? नहीं, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। What?